तो हम स्वागत करते हैं, चुनाव तो होने ही है, पर किस तरीके से हो, किस ढंग से हो, हमारे कई सवाल हैं। हम 10 महीने से कोशिश कर रहे हैं संवैधानिक संस्था, निष्पक्ष संस्था चुनाव आयोग से मुलाकात करने की, हमें मौका ही नहीं मिल पा रहा। इंडिया गठबंधन की पार्टियां चाहती हैं कि ईवीएम का इस्तेमाल हो, पर उनके साथ साथ 100% वीवीपैट का भी इस्तेमाल किया जाए, ताकि लोगों में विश्वास हो कि वो जो वोट दे रहे हैं वो सही वोट दे रहा है, वो ईवीएम में सही आ रहा है। क्योंकि कई लोगों के मन में ये आशंका अभी पैदा उठी है ईवीएम को लेकर, तो हम चाहते हैं कि 100% वीवीपैट हो, पेपर ट्रेल हो। हम 10 महीने से कोशिश कर रहे हैं, हमें मौका ही नहीं मिल रहा है, अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रहा है, और ये संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष संस्था है, तो हम विश्वास पर कई सवाल उठते हैं। आपने जो बड़ी लाइन कही, तरीके से मैच्योर लाइन जो आपने कहा कि ईवीएम पर क्वेश्चन नहीं है आपका, नहीं ऐसे तो अगर ईवीएम है ऐसे तो ईवीएम पर कई सवाल उठते हैं, क्योंकि हम एकमात्र ऐसे देश हैं जहां ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है। ईवीएम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में बनाया जाता है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 4 बीजेपी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी डायरेक्टर्स हैं, उनका ऐसे कई सवाल है, उसको छोड़िए। ईवीएम को अगर आपको इस्तेमाल करना है तो हमारा ये कहना है कि ईवीएम के साथ साथ 100% वीवीपैट का भी इस्तेमाल कीजिए, यही हमारा सुझाव है। हम बहिष्कार नहीं करेंगे, हम चुनाव में भाग लेंगे, पर ये मांग करना हमारा लोकतंत्र हक बनता है। कई दफे आप लोग इलेक्शन कमीशन से मिले, वीवीपैट कुछ को दिया जाता है, आप कह रहे हैं कि सबको मिलना चाहिए। सबको मिलना चाहिए, अरे सबको मिलना चाहिए, आधे लोगों को तो कीजिए, 50% से शुरू कीजिए, पर वो भी नहीं, अरे मिलना ही नहीं चाहते हैं तो क्या डरे हुए क्यों है, किन के इशारे से वो नहीं मिल रहे हैं। मैं तो उनको कहूंगा, चुनाव आयोग के सदस्यों से कहूंगा, कमिश्नर से कहूंगा, सीई से कहूंगा, डरो मत, मिलो, हमारा लोकतांत्रिक हक है मिलना, और हमें सुनो, हमारा दस्तावेज लो और ठंडे बक्से में डालो, पर हमें तो ऐसी तसल्ली हो कि हम आपसे मिल रहे हैं। 10 महीने हो गए, मैंने 3 बारी खत लिखा है। न्याय यात्रा अपने चरम पे है, कल समापन की घोषणा होगी, चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, क्या इस न्याय यात्रा हेडलाइन मैनेजमेंट है? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हेडलाइन मैनेजमेंट है, ये सरकार तो हेडलाइन जीवी सरकार है। तो कल हेडलाइन होने वाले थे राहुल जी, चैत्य भूमि, डॉक्टर अंबेडकर स्मारक, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की समाप्ति, 25 गारंटियों की घोषणा, वो सब हेडलाइन को मैनेज करने के लिए, उसका असर दबाने के लिए 3 बजे को चुनाव आयोग ने अपने चुनाव की घोषणा करने की ऐलान किया है। ठीक है, हम स्वागत करते हैं उसका। जब मतदाता के मन में, मानस में यात्रा का स्मरण रहेगा और चुनाव की तारीखों की घोषणा होगी, बिल्कुल फायदा आपको मिलेगा चुनाव। नहीं, वो मैं नहीं कह सकता हूँ, जो मैंने कहा है 5 साल 5 न्याय, 25 गारंटी हमारे ओर से, नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय, 25 गारंटियों के साथ हम जा रहे हैं, उसी के आधार पर हम जनादेश मांग रहे हैं। और बीजेपी क्या कह रही है? ध्रुवीकरण, विभाजीकरण नीतियां, विभाजीकरण नियत, ऐसे ही मुद्दे उठाते हैं जो समाज को तोड़ते हैं। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, असम, केरला, तमिलनाडु, सीए 4 साल 3 महीने के बाद सीए के रूल घोषित किए गए हैं। कानून तो बना था दिसंबर 2019 को, 4 साल क्यों लगे? इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर आप लोगों को जो क्लियरिटी चाहिए था वो आ गया है, जो कि आपने नहीं, आज तो सुप्रीम कोर्ट, आज ने तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है ना। कल रात को जो जानकारी मिली थी, जो जिससे ये पता चला कि बीजेपी को 6 अरब करोड़, यानी कि 6000 करोड़, 6 के बाद 3 0, 6000 करोड़ रुपया मिला है, और कांग्रेस की तुलना में 4 गुना मिला है। पर इससे क्या हुआ? कल रात की जो जानकारी में हमें हासिल हुई, उसका हमने विश्लेषण किया रात सुबह 3-4 बजे तक बैठकर। उस विश्लेषण से 4 नतीजे निकले। एक तो ये है कि चंदा दो धंधा लो, ऐसे कई ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने चंदा दिया है, इलेक्ट्रिक बॉन्ड खरीदा है और उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, धंधा मिला है, हाईवे के हो, टनल के हो, रेल के हो, किसी के भी हो। दूसरा रास्ता ये है कि हफ्ता वसूली, कि मैं कंपनी के खिलाफ ईडी छोड़ता हूँ, सीबीआई छोड़ता हूँ, इनकम टैक्स छोड़ता हूँ, और उससे बचने के लिए वो कंपनियां इलेक्ट्रिक बॉन्ड खरीदती हैं, धंधा देती हैं। तो ये दूसरा रास्ता। तीसरा रास्ता है सीधा घूस, कॉन्ट्रैक्ट दो, कॉन्ट्रैक्ट लो और घूस दो, हाईवे, टनल, पुल को भी आप देखें, यही तो है। और चौथा रास्ता जो है, ये 3 रास्ते तो मैंने गिनाए, और चौथा रास्ता जो शेल कंपनियां हैं, जो खोखले कंपनी है, खोखले कंपनी के माध्यम से ये चंदा दिया जा रहा है। तो बीजेपी को फायदा मिला है,
6,000 करोड़ से भी ज्यादा इलेक्ट्रल बॉन्ड मिले हैं। हमारे हाथ में ठेका नहीं है, हमारे हाथ में धंधा देने की क्षमता नहीं है, हमारे हाथ में सीबीआई नहीं है, इनकम टैक्स नहीं है, ईडी नहीं है। तो ये तो इलेक्ट्रल बॉन्ड तो ना एक रास्ता था, एक धमकी देने वाली रास्ता था। आपने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अपोजिशन में होने के बावजूद ठीक ठाक चंदा मिला है कांग्रेस को। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हमारे देश में सुप्रीम टू सुप्रीम कोर्ट जनता होती है, सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर सुप्रीम कोर्ट जनता होती है, जनता जनार्दन के बीच में जाएंगे, जनता को अवगत कराएंगे, जनता को जानकारी देंगे। ये बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला है। और जिस तरीके से धमकियां दी जा रही हैं कंपनियों को, मैं आपके खिलाफ ईडीआई भेजूंगा, आपको आपके खिलाफ पीछे सीबीआई भेजूंगा, इनकम टैक्स की जांच करवाऊंगा, मुझे आप चंदा दीजिए। देखिए बिल्कुल साफ हो गया, वहां एक तरफ किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान संघर्ष कर रहे हैं, और यहाँ अन्नदाता चंदादाता मना रहे हैं। चंदादाताओं को सम्मान, अन्नदाता का अपमान, यही तो किसान विरोधी नरेंद्र मोदी की नीयत है। तो इलेक्शन फाइट कैसे करेंगे आप लोग? आप कह रहे हैं खाते सीले से भी। खाता बंदी हो गई हमारी, हम खर्च नहीं कर पा रहे हैं, हमारा सारा अकाउंट यूथ कांग्रेस का अकाउंट, हम एडवर्टाइजमेंट नहीं निकाल सकते, पब्लिसिटी में हम खर्च नहीं कर सकते। इस यात्रा में भी हमें कुछ कम करना पड़ा क्योंकि हमारे खाते बंद है। पहले तो 2016 में नोटबंदी हुआ था, अभी तो खाता बंदी हुआ है। तो हमें आर्थिक रूप से अपंग करने की ये एक साजिश है चुनाव के पहले। देखिए ये बिल्कुल साफ है, नरेंद्र मोदी के मन में वन नेशन नो इलेक्शन, वन नेशन नो कॉन्स्टिट्यूशन, यही तो उनका नारा है।